जन्माष्टमी है तो आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाए हमारे घर के सबसे छोटे से मेंबर से। और सबसे पहले हम मिलवाते हैं विराट से। विराट भी देखिए पूरा तैयार हुआ है। तो ये तो भाई मानसी ने विराट को और हमारे घर के सबसे प्यारे मेंबर को तैयार करवाया। तो भाई दिखा दिया जाए विराट, मानसी कर दिया जाए, बेजी कर दिया जाए। मिलवाते हैं अपने घर के सबसे प्यारे मेंबर से। आई सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होगे और ठीक होगे। तो गाइज आज है जन्माष्टमी और मेरी तरफ से आप सबको और आपके परिवार को हैप्पी जन्माष्टमी। तो भाई आज के दिन आप सबको पता होता है जिनको मतलब जैसे हमारी पहले राखी होती है, राखी के बाद जन्माष्टमी के दिन जो है हम सारी रखड़ी उतार देते हैं, तोड़ देते हैं, तोड़ते नहीं मतलब उतार के फिर दरिया में डाल देते हैं। और आज के दिन जो है झांकी वगैरह निकलती है, मट्टी वगैरह फोड़ जाती है, काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। तो आज उसी दौरान बस सिटी में भी झांकी है, ज्वालानगर भी झांकी है। अभी मैं तो काफ़ी लेट हूँ, फिलहाल मैंने भी सोचा आज जन्माष्टमी है तो आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाए हमारे घर के सबसे छोटे से मेंबर से। उसका फेस रिवील किया जाए क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने बताया नहीं था और बिजी भी रहा, काफ़ी ब्लॉग से कम हो चुके थे, तो इसलिए मैंने सोचा आज वो मौका है तो आपको क्यों ना बताया जाए। तो यार आज आपको करवाते हैं हम अपने घर के सबसे छोटे मेंबर से इंट्रोड्यूस और मिलवाते हैं उनसे, और उसके बाद चलेंगे सिटी। जो छोटा मोटा झांकी वगैरह होगी वो दिखाएंगे और ब्लॉग बनाएंगे, अच्छा सा आपको दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं उससे। तो यार अब मिलवाता हूँ मैं आपको हमारे घर के सबसे छोटे मेंबर से, और सबसे पहले हम मिलवाते हैं विराट से। विराट भी देखिए पूरा तैयार हुआ है। तो ये देखिए हमारे विराट भाई। विराट भाई क्या हाल है आपके, ठीक हो? वहाँ पर हमारे मानसी दीदी, मानसी दीदी आपके क्या हाल है? तो भाई मानसी ने विराट को और हमारे घर के सबसे प्यारे मेंबर को तैयार करवाया। तो भाई दिखा दिया जाए विराट। विराट जब आता था हर बार मुझे कहता था भाई इसका फेस रिवील करो व्लॉग में, फेस रिवील करो। विराट कर दिया जाए, कर दिया जाए, मासी कर दिया जाए, बेजी कर दिया जाए। तो भाई आज हम आपको मिलवाते हैं अपने घर के सबसे प्यारे मेंबर से आयरव। तो भाई ये हमारे घर का सबसे छोटा और प्यारा से मेंबर आयरव सरियाल। आयरव सरियाल क्या हाल है आपके? हेलो गुरु चाचू को क्या हाल है आपके, ठीक हो? तो भाई ये देखिए आज इसको भी हमने तैयार किया, जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी के दिन छोटे बच्चों का आपको पता है जैसे कृष्णा भगवान बनवाते हैं ऐसे पूरा तैयार कराते हैं। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है अभी, इसके मैंने सिनेमैटिक्स लिए वो आपने इससे पहले देख लिए होंगे। फिलहाल देखिए कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। तो भैया और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो भैया हैप्पी जन्माष्टमी। भैया बहुत प्यारे हैं है? नहीं मैं ये देखो ये कितना प्यारा लग रहा है ना। थैंक यू हैप्पी जन्माष्टमी फॉर ऑल ऑफ यू। अरे आप बोलो हैप्पी जन्माष्टमी, बोलो 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 हैप्पी जन्माष्टमी। तो भाई फाइनली आप सब ने भी देख लिया आज हमारे छोटा मेंबर घर का सबसे प्यारा सबसे लाडला, इस टाइम सबसे लाडला है हमारे घर में सबसे छोटा, क्योंकि इसका चाचू देखो ये सबसे छोटा पहले ये था, उसके बाद अब आ चुका है ये। तो फाइनली हमने इनसे इंट्रोड्यूस करवा दिया आपको, इसके सिनेमैटिक्स भी देखे होंगे। अब ये इंजॉय कर रहा, देखो कैसे खेल रहा है, इसकी चीज़ें मिल गई ना, इनसे खेल रहा है। तो इसका नाम भी हमने रखा था, वो नाम रखा हमने इसका आयरव, वो भी भैया ने काफ़ी वो हम आपको फिर बताएंगे कैसे डिसाइड हुआ था इसका नाम, वो भी एक अच्छी ट्रिक्स डिसाइड हुआ था, तो वो भी बताएंगे। फिलहाल देखिए कैसे खेल रहा है, अब आपको आने वाले व्लॉग्स में ये हमें ज़रूर मिलेगा। तो आप कमेंट कर दें अगर आप आने वाले व्लॉग्स में इसको देखना चाहते हैं। तो अभी हाँ अभी 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 खुद चल के आएगा, अभी फिलहाल इंजॉय कर रहे हैं इसको, हम अपनी मस्ती में रहने देते हैं। तो हम चलते हैं आपको झांकी वगैरह दिखाते हो, देखो कैसे खेल रहे हैं। आइए बाय कर दो सबको, बाय कर दो, बोलो बाय गाइज, आपको मैं मिलूंगा आगे वाले व्लॉग्स में, ऐसे कर दो।
रेडी होके निकल चुका हूँ सिटी के लिए, लेकिन तिलक लगा लिया है। एक मिनट, अब ठीक है, तिलक लगा लिया, अब चलते हैं सिटी। उदय और जो है रितिश वो वहीं पर है। वैसे तो तिलक थोड़ा बड़ा लग गया, चलिए छोड़े, जैसा भी है तो तिलक है ना, तो अभी चलते हैं सिटी। तो यार पहुँच चुका मैं जब मोड़, वहाँ पर लगे स्टॉल वगैरह, वहाँ तक अभी झांकी नहीं है, कुछ लोग आगे आ गए, जैसे झांकी आती है हम भी उनको ज्वाइन कर लेंगे, अभी आए नहीं है। तो यार यहाँ हमें मिल चुके हैं ऋतिक भाई। ऋतिक भाई क्या हाल है आपके? तो ऋतिक भाई के साथ, ऋतिक भाई को भांजा है यहाँ पर, क्या नाम है इसका? कायरव। तो ये भी देखिए पूरा तैयार हुआ। यहाँ हमारे उदय भाई क्या हाल है आपकी? ठीक हो? वहाँ ऋतिक भाई थोड़ा कॉल पर बिजी हैं, वहाँ नीचे अभी झांकी आ चुकी है या आ रही है कोई पता नहीं अभी फिलहाल, मैं सबसे आगे हूँ फिलहाल, देख रहे हो ना आप, इस शायद यहाँ थोड़े पीछे होंगी कार, अभी उसमें वहाँ वेट करते हैं, चलते हैं। भाई सबके बीच हमें मिल चुके हैं हमारे विकास। विकास भाई क्या हाल है आपके? ठीक हो? चलिए हम आगे आ जाओ। तो यार यहाँ पर देखिए कितना रश है अभी झांकी चल के। रितिश भाई थोड़ा साइड जाओ, देखिए यहाँ पर अभी बाकी कार्स वगैरह भी आ चुकी हैं, एक वहाँ पर ट्रैक्टर है जिसमें सब है, तो रश देखिए कितना अभी फिलहाल। गर्मी है, भाई मैं आज देखो एक छोटे से बच्चे के पीछे बैठा हूँ स्कूटी में, इसका नाम है नंदी, मैं इसके पीछे बैठा हूँ, देखो कैसे लग रहा है ये, ऐसे लग रहा है स्कूटी मैं चला रहा हूँ, बच्चा आगे बैठा कोई, लेकिन ये इतनी गंदी स्कूटी चलाता है ना, छोटा सा है, अभी मैं इसको आराम से चलाना, पीछे इसने मेरा पाँव तोड़ दिया। उदय और मेरे साथ थे अभी, वो पता नहीं कहाँ रह गए, वो आते हैं फिर उठते हैं, आप बुलाते हैं। तो भाई ये था मेरा ड्राइवर नंदी, इसने अभी मेरे को मेरी स्कूटी के पास तो पहुँचा दिया, उदय और रितिश नहीं आ रहे। तो यार झांकी से मैं आ चुका हूँ घर। एक्चुअली यार वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश थे और दोस्त यार मिल गए, मतलब उदय कृष साथ थे, उदय और रितिश साथ थे, तो मुझे ब्लॉग बनाने का तो याद भी नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बनाता तो नहीं याद रहता। तो बाकी काफ़ी इन्जॉय किया यार, झांकी देखी, बहुत मज़ा आया, बीच में सारे थे, काफ़ी अच्छा लगा। तो उसके बाद आ गया घर यार, तो रितिश और उदय तो मेरे साथ जिम निकली, और अभी मैं भी चेंज करके, अब मैं भी निकल रहा हूँ जिम, जिम से आते हैं फिर आगे ब्लॉग को एंड करेंगे। तो यार अभी मैंने जाना था जिम, और मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ दीपांशु भैया का, दीपांशु भैया ने मेरे को 15 मिनट से कहा होगा नीचे रुक आ जाता हूँ मैं, लेकिन अभी तक आए नहीं, अब उनका वेट करते हैं, फिर निकलते हैं हम जिम। तो यार पहुँच चुके हैं हम जिम, ये रहे हमारे दीपांशु भाई। दीपांशु भाई क्या हाल है आपके? बस भाई बढ़िया, इन्होंने हमें बड़ा वेट करवाया यार, आजकल लेट हो गया, हाँ एमरजेंसी। तो आजकल हमारे जिम पार्टनर ये हमारे दीपांशु भाई, तो अभी चलते हैं, आज हमने लगाना बैक, और बैक लगा कर फिर निकलते हैं घर, अभी मुझे आगे कुछ दिख रहा है, चलते हैं अभी फिलहाल। रेडी हो दीपांशु भाई? बिल्कुल भाई, चलो फिर। तो यार वर्कआउट हमारा हो गया, मेरी हालत देख रहे हो स्वेटिंग से, इतना जल्दी आज हमने वर्कआउट किया और मज़ा आ गया, पूरा गिल्ला हो गया मैं। दीपांशु भाई की हालत भी मज़ा आया नहीं? बिल्कुल यार, आज वर्कआउट कैसा रहा? थोड़ा एग्जॉस्टेड रहा है, लेकिन देखते हैं क्या बनता है, अब इनको रात को पता चलेगा, अगर डाइट अच्छी लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कल बोलेंगे तो यार लक नहीं हिल रहा थोड़ा। तो अभी चलते हैं हम घर। यार दीपांशु भाई कोई डाइट शाइट खिला रहे सुना? कौन सी डाइट? वो आपको पता होगा, आज नॉन वेज खा नहीं सकते, वेज खिला दो, पनीर खा लेंगे कच्चा हम, कच्चा पनीर, हाँ चलो भाई। तो यार चलते हैं अभी घर, फिर डाइट वगैरह देते हैं अपनी।